खूबसूरती इसमें बरकरार है। ऐसे इतनी ज्यादा बिक्री है सेवन सीटर में का, ये है स्पेस बढ़िया। ये बेस से एक ऊपर इसकी चाबी दिखाने लायक है नहीं, वही 2012 वाली चाबी चला रही है इसमें। तो जैसे मैं सबसे पहले इसको अनलॉक करता हूँ, तो चल की गाड़ी कोई भी हो अगर इंटीरियर ऐसे व्हाइट में या फिर पीच कलर में रहता है तो प्रीमियमनेस वगैरह, जो सीट को मैंने पूरी आगे कर लिया हूँ, अब मैं देखता हूँ आराम से 100-150 किलोमीटर तक बैठ गया तो बैठ गया, इससे ज्यादा मैं यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। वही फ्यूल और CNG में स्विच करने का बटन VXi वेरिएंट में, यहाँ पे अगर हम ग्लास रखते हैं तो उसको भी कूल का करने का फंक्शन दे दिया है। कार में बैठेंगे ऑटोमेटिकली अपना फोन जो है ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा। हेलो भाइयों, सामने देखिए मैं अभी लेके आ गया हूँ मारुति की अल्टिगा। अल्टिगा मतलब अभी समझ लीजिए इतनी ज़्यादा बिक रही है सेवन सीटर में, अगर सेवन सीटर की कोई डिमांड है तो वो है सबसे ज़्यादा अल्टिगा। क्यों? क्योंकि इसका जो प्राइस है इतना ज़्यादा कम है। जैसे अगर मैं इसकी वेरिएंट की बात करूँ तो ये हमारे सामने VXi वेरिएंट है। तो जैसे मारुति में LXi, VXi, ZXi और ZXi प्लस रहता है, तो VXi जो है अभी हर गाड़ी का वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये बेस से एक ऊपर तो है लेकिन इसमें फीचर्स बहुत सारे दे दिए, जो कि मतलब जो अगर नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का बंदा रहे तो वो ZXi वगैरह की तरफ ना जाके बोलता है VXi ले लो, उसमें बढ़िया अपने को स्टीरियो वगैरह सब कुछ अच्छा मिल जाता है। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो ये वाला जो वेरिएंट है ये बहुत ज़्यादा VXi, Ertiga का, स्विफ्ट का, कोई सा भी लो, बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट माना जाता है। जैसे बेलेनो हो गई, स्विफ्ट हो गई, ये सब गाड़ी अब CNG में तो आने लगी है, लेकिन ये देखिए Ertiga तो काफ़ी टाइम से CNG में आ ही रही है। तो ये वाला जो वेरिएंट है ये हमारा VXi का है, और VXi जो है ये CNG वाला ऑप्शन आपके सामने लेके आया हूँ। तो सबसे पहले अगर इसके लुक्स की बात की जाए एक एक करके, तो सामने से हम शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो जैसे VXi वेरिएंट है, तो सबसे पहले देखिए अगर फ्रंट की मैं बात करूँ तो सामने ये बड़ा सा ग्रिल है, ग्रिल का डिज़ाइन भी थोड़ा अच्छा दिख रहा है। देखिए ये ऐसे 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 ग्रिल है, बीच में सुजुकी का लोगो है, यहाँ पे हमारी नंबर प्लेट आ जाएंगी। अब जो कमाल की बात है, अगर क्या नहीं मिल रहा है VXi में, तो देखिए यहाँ पे क्रोम नहीं मिल रहा है और यहाँ पे फॉग लैम्प नहीं मिल रही है। तो लेकिन क्रोम और फॉग लैम्प तो ऐसा है आप शोरूम से ही लगवा सकते हैं, या फिर आफ्टर मार्केट कोई भी आपको फॉग लैम्प लगाना है LED में या फिर हेलोजन में या कोई सा भी जो प्रोजेक्टर लगाना है वो आप लगवा सकते हैं। अब हेडलाइट की मैं बात करूँ तो एक हमारे प्रोजेक्टर है और एक हमारे नॉर्मल जो हेलोजन्स रहते हैं वो दो हेलोजन्स इसके अंदर है, और यहाँ पर हमको इंडिकेटर मिल जाएंगे। नीचे में वही हमारे फॉग लैम्प तो बाहर से आप लगवा ही सकते हैं। अब इस तरफ लेके चलूँगा, फेंडर पे इंडिकेटर नहीं है, ठीक है, VXi वेरिएंट है। यहाँ पे हमको ये ORVMs मिल जाएंगे, और जो इसके डोर्स है देखिए इसमें कीलेस एंट्री नहीं है, इसकी चाबी दिखाने लायक है नहीं, वही 2012 वाली चाबी चला रही है इसमें। तो VXi में कीलेस एंट्री नहीं है इसमें, नॉर्मल हमारे को बॉडी कलर्ड के ORVMs मिल गए। ये वाले हैंडल्स भी हमको बॉडी कलर्ड में मिल गए, ये पीछे की कांच और ये पीछे का लुक है। यहाँ पे हमको वही स्टॉपिंग लैंप्स मिल जाएंगे मेंढक के जैसे जलते हैं, और यहाँ पे हमको वो जो स्टॉपिंग वाले हैं .. यहाँ पे भी मिल गए। और इस तरफ में देखेंगे यहाँ पे इंडिकेटर्स है, यहाँ पे रिवर्स का है, और ये हमारा नॉर्मल डमी है। और नीचे में यही, इसको हटा के आप रिफ्लेक्टर्स वगैरह भी लगवा सकते हैं, वैसे फ़िलहाल ये रेडियम में है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें ऐसी है जो मतलब क्या बोलना चाहिए, डीमोटिवेट कर देती है। ये चाबी को ही देख लो, मतलब 2012 से यार यही चाबी चलाई जा रही है VXi में, तो क्या बोलना। जैसे मैं सबसे पहले इसको अनलॉक करता हूँ तो चलते हैं। ये देखिए इसमें ना जैसे CNG वाला ऑप्शन है, तो पहले मैं आपको बूट दिखा देता हूँ CNG। ये मैंने खोला बूट स्पेस, ये देखो ये CNG का ऑप्शन है। CNG ऐसा लग रहा है थोड़ी सी उठी उठी है। यहाँ पे हमको ये कंपनी की तरफ से मिल जाएगा, और ये हमारा टूल किट वगैरह का सामान खुला पड़ा है, और ये हमारी मारुति की तरफ से जो इसकी नंबर प्लेट लगी हुई है और जो टूल किट है वो भी मिल जाएगा, और ये CNG का हमारा बड़ा सा सिलेंडर है। और स्पेयर व्हील्स की बात करें तो वो हमको नीचे देखने को मिलेगा, और यहीं से हमारी जो सीट्स है वो फोल्डेबल हो जाएंगी। वैसे Ertiga मैंने आपको इसके पहले दिखाया था रेड कलर की, लेकिन वो टॉप वेरिएंट था, ZXi प्लस था शायद, और ये हमारा VXi वैल्यू फॉर मनी वाला जो है। तो मतलब कमाल की जो चीज़ है वो ये है कि VXi में क्या क्या मिलता है। मतलब अगर किसी का बजट ऐसे है 12-13 लाख रुपए है और उनको मतलब सेवन सीटर गाड़ी चाहिए, तो मारुति स्विफ्ट की ये जो स्विफ्ट बोल रहा हूँ मारुति की जो Ertiga है वो ये वाली अपने को मिल जाती है VXi वेरिएंट। लो 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 लो। और लेकिन एक चीज़ जो डिसअपॉइंट कर रही है अभी भी मुझे, इतनी बड़ी गाड़ी रहने के बाद भी हमको जो इसके व्हील्स है वो सिर्फ 15 इंच के ही मिल रहे हैं। खैर ये जो आप जो एलॉय का डिज़ाइन दिख रहे हैं वो तो आफ्टर मार्केट चेंज भी हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। कंपनी की तरफ से स्टॉक अभी फ़िलहाल यही मिलेगा आपको। द
गाड़ी के रूफ की तरफ लेके चलूँ तो यहाँ पे हमको कोई शार्क फिन एंटीना नहीं है, पीछे एंटीना भी नहीं है, ये पतले वाले एंटीना हमको यहाँ पे मिल जाएंगे लंबे से। अब बारी आती है गाड़ी के अंदर चलने की। ये मैंने खोला दरवाजे, मैंने बताया ना देखिए गाड़ी कोई भी हो अगर इंटीरियर ऐसे वाइट में या फिर पीच कलर में रहता है तो प्रीमियमनेस वगैरह जो बोलते हैं थोड़ी सी वो देखने को मिलती है। तो ये देखिए हमारे दरवाजे सीट्स सब इसमें जो पीच कलर के स्किन कलर वो मिलेंगे। तो सबसे पहले दरवाजे की तरफ अगर मैं दिखाऊँ तो ये हमको यहाँ पे कोई सॉफ्ट टच नहीं है, पूरा अगर हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे ब्लैक पावर विंडो के बटन है छोटे से हमारे, और यहाँ पे पतले से ये कुछ भी फाइल वगैरह रखने के, और ये बॉटल होल्डर और स्पीकर हो गया इसमें, मतलब म्यूजिक सिस्टम मिल जा रहा है कंपनी से, ठीक है। तो ये इसका ये है स्पेस बढ़िया सा। और पीछे जाने की अगर मैं बात की जाऊँ तो वही है, यहाँ से फिर आगे करिए, इसको झुकाइए आगे करिए और पीछे जाइए। तो जैसे पीछे की सीट्स मैंने बताया कई बार ऐसे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं रहती है, और फिर भी जैसे बैठ के चलते हैं एक बार, ये वाली सीट को मैं पहले पूरा पीछे करूँगा और फिर यहाँ पर बैठ के मैं बताऊँगा आपको। इसको कर लेते हैं भाई पहले पीछे, ये सब पूरा जितना हो सकता था पूरा मैंने सबसे पीछे कर लिया और अब मैं बैठूँगा यहाँ पर। वैसे देखिए इस यहाँ पर भी जो लीवर है सीट को आगे पीछे करने के लिए सब कुछ, ये देखिए मैं बैठा गाड़ी के अंदर और मैं यहाँ से टेका लेने का थोड़ा सा पीछे करा, ये देखिए मतलब मुझे तो कंफर्ट मिल रहा है अच्छा। ये वाली सीट है ना, जैसे यहाँ अगर हम ये वाले रो तक आएंगे तो यहाँ पे हमको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं भी अगर मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मेरी जो हाइट है वो है 5.9, तो देखिए मैं यहाँ पे नॉर्मल बैठा हूँ और ये देखिए मेरा लेग रूम अच्छा खासा, मुझे थाई सपोर्ट भी है, यहाँ से भी मुझे स्पेस मिल रहा है, मैं आराम से इसमें 400-500 किलोमीटर की जर्नी तय कर सकता हूँ। तो इस तरफ में भी देखो हमको ये एसी वेंट्स मिल गए ऊपर में, यहाँ पे 1-2-3 ब्लोअर के। अब सेवन देखिए एलेक्स आई में जाएंगे तो फिर हमको ये एसी वेंट्स नहीं मिलेंगे, ये VX आई से ये एसी भी शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसको वैल्यू फॉर मनी भी बोलते हैं। तो हमको जैसे यहाँ पे कोई आर्मरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, और ना ही चार्जिंग का सॉकेट, देखो 12 वोल्ट का सॉकेट है, USB पोर्ट वगैरह नहीं है, ये नॉर्मल पॉकेट है, कोई आर्मरेस्ट नहीं है। अब मैं पीछे वाली सीट दिखा दूँ कितनी प्रैक्टिकल है क्या है। सीट को मैंने पूरी आगे कर लिया हूँ, अब मैं देखता हूँ आराम से। अब मैं भाई 5.9 वैसे बोलना चाहिए 6 फुट का बंदा बोल सकते हैं, लेकिन फ़र्क है इंजन के साथ पूरी जो गाड़ी परफॉर्म कर रही है। जैसे VX आई लो, LX आई लो, ZX आई लो, इंजन तो सब में सेम है, वही पेट्रोल का और CNG वाला। तो VX आई से जैसे CNG भी स्टार्ट हो गया है, तो मतलब इतनी कमाल की चीज़ें हैं। इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देख लो पूरी कंप्लीट, यहाँ पे टैकोमीटर है, यहाँ पे स्पीडोमीटर है, और इस तरफ में AC वेंट्स हैं हमारे, और यहाँ पे वही फ्यूल और CNG में स्विच करने का बटन, एक मिनट में ये है फ्यूल और CNG में कन्वर्ट करने का ये बटन है, मतलब गाड़ी कब स्विच हो जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। और ये मैनुअल AC है, इसमें मैनुअल AC है 1-2-3 वाला, वही ऑल्टो में जैसे आता था। और ये हमारा 5 गियर का नॉर्मल बॉक्स गियर बॉक्स है, ये हमारे हैंड ब्रेक्स हो गए, ये गाड़ी में हमारे IRVMs, अंदर में यहाँ पे कोई वैनिटी मिरर नहीं है, और इस तरफ में हाँ इस तरफ में एक मिरर मिल गया बट लाइट नहीं है, लाइट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे नॉर्मल हेलोजन। VXI वेरिएंट में यहाँ पे अगर हम ग्लास रखते हैं तो उसको भी कूल का करने का फंक्शन दे दिया है। अब इसके अगर इंफोटेनमेंट में लेके आऊँ तो अब ये पूरा कंप्लीट टच स्क्रीन तो नहीं है, लेकिन सॉफ्ट टच जो हल्का सा रहता है ना बस वो है, मतलब पूरा टच स्क्रीन नहीं है। डिस्प्ले देखिए बस इतनी सी छोटी सी डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले है, इसी में आपको मतलब ब्लूटूथ मिल जाएगा, जैसे इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वगैरह नहीं चलेगा, लेकिन नॉर्मल ब्लूटूथ मिल जाएगा जिसमें जैसे ही अपन कार में बैठेंगे ऑटोमेटिकली अपना फ़ोन जो है ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है VXI वेरिएंट में। अब यहाँ पे तो वही नॉर्मल जैसे सब में रहता है, वाइपर्स के है, हेडलाइट्स के है, और यहाँ पे भी वही वाइपर्स इंडिकेटर वगैरह पूरा ये जो मिल जाता है यहाँ पे, इस तरफ में जैसे हेडलाइट और इंडिकेटर हो गया, और यहाँ पे हमारे वाइपर्स के वॉशर वो सब हो गए। तो अब मैं बाहर चलता हूँ, यहाँ पे जो वार्निंग्स लिखी है इसको पॉज करके पढ़ लेना। और ये देखिए भाई ये सीट है गाड़ी की पूरी, ये पीछे का लुक है, मतलब 7 सीटर गाड़ी अगर आप ढूंढ रहे हैं 15-14 लाख के अंदर तो ये वेरियंट आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरियंट लगेगा। और ये देखो ये है गाड़ी, मतलब देखा जाए तो ये अभी काफ़ी टाइम से 2019 या 20 से ये नया वाला अर्टिगा का वेरिएंट आ गया है, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़े दिन बाद अभी अर्टिगा का भी नया एक फेसलिफ्ट वर्जन या कुछ और टाइप आ जाएगा, क्योंकि ये वाला मॉडल भी काफ़ी टाइम से चल रहा है। हालांकि ऐसा ही नहीं कि आउटडेटेड हो गया है, ये देखिए खूबसूरती इसमें बरकरार है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा मतलब लग रहा है, मैंने न्यूज़ में और कहाँ तो भी पढ़ा हूँ कि अर्टिगा भी अब नई वाली लॉन्च में फेसलिफ्ट में बोलो या फिर उसका पूरा लुक चेंज करके थोड़ा बहुत आ सकता है। तो मतलब इन शॉर्ट देखा जाए तो देखिए CNG भी मिल जा रही है आपको, तो माइलेज की तो टेंशन नहीं है। अब मारुति की गाड़ी वैसे भी देख बोलते हैं कि मतलब बिल्ड क्वालिटी के मामले में थोड़ी वो है, लेकिन बोलते हैं ना हर एक गाड़ी मतलब परफेक्ट नहीं होती, कुछ चीज़ें में अगर पॉजिटिव है तो उसमें नेगेटिव भी रहेगा। तो अभी जैसे कि फ़िलहाल के लिए इतना मैंने बता दिया ऊपर तौर से,
अब बाकी की हम डिटेल वीडियो इसके बाद वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका भाई थैंक यू सो मच।